वेलकम टू स्नैप सॉल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मैं हूं आपका कोच आकाश मंधान। यहां कंसेप्ट की जमकर तैयारी होगी, प्रॉब्लम्स को क्लीन बोल्ड कर देंगे, पर बच्चों आपका मोटिवेशन आउट नहीं होने देंगे। तो आईपीएल के साथ अपना मोटिवेशन भी बनाए रखिए, क्योंकि आपकी जीत होने वाली है। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। सो गाइज, नथिंग वर्क्स विदाउट वर्क। तो डेरन हार्डी ने कहा है, कुछ नहीं काम करता अगर आप काम नहीं करते। सो कीप वर्किंग गाइज, ताकि आपकी प्रोग्रेस होती रहे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव करा देंगे। बच्चों, स्नैपसॉल ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको मिलेगा डाउट्स का इंस्टेंट फ्री सॉल्यूशन। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है, पहला है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, और जो सेकंड टॉपिक है वो है रेट मेजर। तो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है उसमें। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ टेंजेंट, हैव यू हर्ड ऑफ नॉर्मल? देखिए, नाइन्थ में हमने ये सब पढ़ रखा है, ये सब कुछ अपन ने पढ़ रखा है, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज नॉर्मल। ठीक है, सो मैं सिंपल सा आपको रिव्यू दे देता हूं, एक सिंपल सा आपको रिविजन करा देता हूं कि क्या होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ऑल्सो आई विल कवर ऑल द फॉर्मूलाज एज वेल। सो मान के चलिए एक कर्व है, दिस इज द इक्वेशन, ओके, इक्वेशन ऑफ अ कर्व। यहां पे उसको टच करके एक लाइन जा रही है, एक लाइन इसको टच करके जा रही है। टच करके उसको एक लाइन जा रही है, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, तो हम इसका नाम रखते हैं टेंजेंट। गाइज, इसी के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। सो यूजुअली नॉर्मल वर्ड वो होता है जो किसी भी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब बात आती है स्लोप ऑफ टेंजेंट की। गाइज, टेंजेंट किसी भी एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इट इज डेरिवेटिव। समझ में आया? अगर जो आप डेरिवेटिव लोगे ना इस कर्व का, लेट से दिस कर्व इज वाई, ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दूसरा है स्लोप ऑफ नॉर्मल। व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए? स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा माइनस डीएक्स अपॉन डीवाई। गाइज, मैं इसका रीजन भी देता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी माइनस वन। तो एक रूल होता है, मैं बता देता हूं, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज नेगेटिव वन। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द नेगेटिव वन। एक और चीज जो है मुझे आपको बतानी है, वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड नॉर्मल। सो गाइज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आता है बताए आपको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आता है y माइनस y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव x माइनस x1। इज इट क्लियर विथ यू? क्या ये क्लियर है आपके साथ? क्या ये क्लियर है आपके साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? क्योंकि यूजुअली यहां पे जो हम पॉइंट मिलता है ना, ये वाला, सो यहां पे x1 y1 हमें ज्ञात होता है। ठीक है,
सो गाइज यहाँ पे दो पॉइंट्स हमेशा दिए ही रहते हैं, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म हम यूज करते हैं. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट इज y माइनस वाई वन. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स माइनस एक्स वाई. सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. प्लीज इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट जो हम क्वेश्चन के सेट देखने वाले हैं उसमें यही सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज होने वाले हैं, ठीक है. तो आप इन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज एक बार ही आप इन्हें कर लेते हो ना, इट्स वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, तो यहां पे रखे हैं स्क्रीन पे ही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट. मुझे बताइए व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन. सो इधर आ जाएगा y माइनस वाई वन, सो दिस इज एक्स वन, दिस इज वाई वन. डेरिवेटिव x माइनस एक्स वन. गाइस स्लोप कैसे निकलेगा यार, बता दो. आई डोंट नो हाउ टू फाइंड द स्लोप. यस यू आर राइट, टेक द डेरिवेटिव. अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी फॉर्मूला लगा देते हैं. वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स माइनस एक्स वन, है ना. सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू दिस x माइनस जीरो. यार आगे कैसे करेंगे, मेरे को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy वाई बाई डी एक्स. कितना आ रहा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, टू का डेरिवेटिव 0. पुट x 0 4, x 0 y 4. सो डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें हम पुट कर रहे हैं 0 एंड 4 को. तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एनीथिंग रेस टू 0 बिकम्स 1. सो फाइनल आंसर इज 2. सो डेरिवेटिव 2 आ रहा है. लिख दिया इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इज माइनस 1 अपॉन 2. वाओ यस, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व. तो ये था छोटा सा कंसेप्ट पर बड़ा सा धमाल. छोटा सा कंसेप्ट और बड़ा सा धमाल. देखा आपने किस तरीके से हमने कंसेप्ट को सीखा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया चुटकियों में. सो गाइज नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. प्लीज प्लीज प्लीज, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट लीस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. ओके सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, ठीक है. It is your responsibility to simplify it. Please, this is at least ab itna kar lo. Chaliye, you have only 60 seconds. Please have a note of it.
गाइज, नेक्स्ट ट्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, बट डेरिवेटिव में थोड़े से एफर्ट्स हैं. ठीक है, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आई ट्रस्ट यू. यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आई कैन ट्रस्ट यू. ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x2, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y2. x बाहर, y का डेरिवेटिव, y बाहर x का डेरिवेटिव 1. तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो इट इज मोर लाइकली टू से दैट दिस इज 3y2 डेरिवेटिव माइनस 9xy-. माइनस 9 इधर गया तो उस तरफ शिफ्ट कर देंगे 9y और माइनस 3x2. सो मोर और लेस मैं ऐसा कह सकता हूं, आई कैन टेक y- कॉमन. ये बच गया 3y2 माइनस 9x, 9y माइनस 3x2. गाइज आइए क्वेश्चन को खत्म करते हैं. y- की वैल्यू क्या है? सो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया, 3y माइनस x2, 3 बाहर ले लिया, y2 माइनस 3x. देखो 3 कट हो सकता है, हो गया समझो कट. और गाइज मुझे एक बात समझाओ सिंपल सी, हमको y- कहाँ पे रखना है? x को 2 और y को 4 रखना है. सो y को 4 रखा तो यह आ जाएगा 12, x को 2 रखा तो यह आ जाएगा 4, y को 4 का स्क्वायर 16, 2 3 6 8 अपॉन 10. सो गाइज द फाइनल आंसर इज 4/5. तो बस 4/5 मिल चुका है, आगे आप कर लोगे. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. जल्दी से लिख लो. सो व्हाट इज y- द स्लोप ऑफ टेंजेंट. प्लीज एक बार लिख लीजिए. सी, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इज अ वेरी सिंपल थिंग. खास क्या था? खास बात है टेकिंग डेरिवेटिव. ठीक है, सो द कॉम्प्लेक्सिटी इन द क्वेश्चन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ताकि डेरिवेटिव लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो. अदरवाइज अप्लाइंग वैल्यू इन द इक्वेशन इज वेरी इजी. सो मेरे को लगता है अगर टीचर को थोड़ा क्वेश्चन को क्वालिटी इंप्रूव करनी है, क्वेश्चन को थोड़ा सा वो बोलते हैं ना बाउंसर करना है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा टीचर का प्रयास ही रहेगा कि इक्वेशन आपको कुछ हटके दे दे. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. देखो y- कितना आया है? 4/5. y- कितना आया है? 4/5. तो बेसिकली इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. और नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ y- कितना आएगा? -5/4, विच इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं.
वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव एक्स माइनस एक्स वन। तो गाइस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल चुका है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकालोगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। सो अभी आने वाले क्वेश्चन में माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक अ डेरिवेटिव, ठीक है? मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आप निकाल सकते हो, ठीक है? फॉर्मूला तो पता ही है आपको, फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, मैं थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? वाई माइनस वाई वन इज डेरिवेटिव एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव एक्स माइनस एक्स वन। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अपन, इसका डेरिवेटिव बताओ। एक्स बाहर, साइन टू वाई डेरिवेटिव कॉस टू वाई, अरे बट एक्स था क्या? वो एक्स नहीं था, सो टू बाहर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे एक्स बाहर डेरिवेटिव ऑफ साइन टू वाई और प्लस साइन टू वाई बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सिमिलरली सिचुएशन यहां पे भी हो जाएगी, वाई बाहर डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स बाहर डेरिवेटिव ऑफ वाई। गाइज एक्स यहां पे आ जाएगा, साइन टू वाई का डेरिवेटिव कॉस ऑफ टू वाई, टू वाई का डेरिवेटिव टू वाई डैश, साइन टू वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन कोई नहीं लिखेगा, वाई बाहर कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन टू एक्स, चेन रूल से इंटू टू, कॉस टू एक्स पड़ा रहेगा, वाई डैश भी पड़ा रहेगा। गाइज वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स को पाई बाय फोर रखो, एक्स को पाई बाय फोर रखो, हो जाएगा पाई बाय फोर, वाई को पाई बाय टू रखो, 90 रखो, कॉस 180 कितना होता है? और माइनस वन टू वाई डैश, और साइन एक्स है ये, वाई है ये, ठीक है? 90 इधर आ गया, तो साइन 180 कितना होता है? जीरो। एक्स की वैल्यू है पाई बाय फोर, साइन 90 आ जाएगा वन। एक्स की वैल्यू कितनी है? कॉस 90 होता है जीरो, ये पूरा जीरो। सो प्लीज गाइस इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे लिख लेते हैं ना अभी, सो जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1। तो मैं गाइस इसको क्लीन कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए स्पेस नहीं है, सो आई क्लीन इट। तो देखिए यहां तक सॉल्व होने के बाद मैं ऊपर इसका कंटिन्यूएशन कर देता हूं, माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस टू वाई।
सो गाइस वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू वाई, और ये टू ऊपर आ जाएगा और माइनस पाई नीचे आ जाएगा। देखा आपने, माइनस पाई नीचे, टू ऊपर और टू वाई। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये इसको और क्लीन कर दूँ, है ना, ये लिख लिया ना अपन ने, ये लिख दिया माइनस टू वाई, लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया टू डैश लिख दिया लिख दिया, ये टू टू कर लिख दिया। सो गाइज यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, गाइज वाई की वैल्यू है कुछ, इट्स पाई बाय टू, है ना। सो माइनस माइनस कट, टू टू ज़ा फोर, फोर पाए है, वाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय टू। सो फाइनल आंसर क्या है, टू। वाई डैश की वैल्यू टू। तो आपने देखा काफी क्वेश्चन में कश्मकश थी डेरिवेटिव लेने को लेकर। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल चुका है टू। स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल चुका है, माइनस वन अपॉइंट टू। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, यू हैव ओनली वन मिनट, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, जल्दी से कर लो। मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है, लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं कुछ दमदार सवाल आपके सामने सजेस्ट करने वाला हूँ, तो जल्दी से इसे लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेरिवेटिव लेना, रेस्ट ऑफ द थिंग इज बहुत ही सिंपल चीज है। एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी एक्स अपॉन डी थीटा आएगा, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन टू थीटा इंटू टू। सो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा बताइए, और माइनस टू साइन टू थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा, इट इज साइन टू थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज अ कॉस थीटा। गाइज ये कैंसल आउट हो सकता है यहाँ पे, सो फाइनल आंसर इज माइनस फोर साइन थीटा, फाइनल आंसर इज माइनस फोर साइन थीटा। सो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर है, एक काम करो आप लिख लो, सॉरी, प्लीज इतना नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट फिर आगे बढ़ते हैं। सो डेरिवेटिव इज माइनस फोर साइन थीटा, हमको चाहिए डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू पाई बाय सिक्स, व्हाट इज पाई बाय सिक्स पता है आपको, 30 डिग्री, साइन 30 होता है हाफ। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है माइनस टू, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, आगे आप कर लोगे, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।
गाइस अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. एक्स इज इक्वल टू रूट टी, वाई इक्वल टू दिस, एट टी इक्वल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. फर्स्ट ऑफ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू टी आई विल टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग दैट इज वन अपॉन टू रूट टी. एट अ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी आई विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, टी का डेरिवेटिव वन, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर. बड़े बटो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव, रूट टी का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट टी. सी गाइज अपने को चाहिए डीवाई बाई डी एक्स, राइट. सो डी वाई ऊपर डी एक्स नीचे. वॉट इज डी वाई? इट इज टी स्क्वायर टू रूट टी प्लस वन, और नीचे भी क्या है, टी स्क्वायर इंटू टू रूट टी, और ये है वन अपॉन टू रूट टी. तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो एक सिंपल सी चीज जो कि मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, टू रूट टी कट, ठीक है. सो फाइनल आंसर इज टू रूट टी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर. यहाँ तक किस्सा खत्म नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा है पुट t इक्वल टू फोर, सो डी वाई बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू फोर, y डैश एट t इक्वल्स टू फोर रखेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा, फोर का स्क्वायर रूट होता है टू, टू टू जा फोर है ना, टू टू जा फोर हो जाएगा, फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन, 16 फोर्जा 65 अपॉन 16. सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, जल्दी से लिख लो. डेरिवेटिव मिल चुका है, आई थिंक यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. लिख लो लिख लो, 5 सेकेंड दे रहा हूं, जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं. देखो ये भी क्वेश्चन काफी बढ़िया है, मुझे टेंजेंट और नॉर्मल में काफी पसंद आते हैं. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू दिस वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थिंग. अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात सिखाओ, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर द लाइन. हमारा जो है टेंजेंट है, मान के चलिए ये कर्व है और हमारा ये जो है टेंजेंट है, ठीक है. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, तो हमारा टेंजेंट किसी पे परपेंडिकुलर है, उस लाइन का इक्वेशन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इज द पिक्चर क्लियर टू यू? पिक्चर आपको क्लियर है कि हमारा जो टेंजेंट है किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है. कैन आई राइट इट इन अ सिस्टमेटिक वे? इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल्स टू, 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 5, ठीक है. 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 5. सो सबको 3 से डिवाइड करिए तो माइनस 2x प्लस 5/3. गाइस स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c. मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लाइन बता रहा हूँ, y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट 1 रहता है. सो माइनस 2 इसका स्लोप है. आई रिपीट, माइनस 2 इसका स्लोप है. व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर इज स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है. तो प्लीज आप इतना लिख लो, इसका स्लोप आ जाएगा, आपको पता है इसका स्लोप हो जाएगा 1/2, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है देयर स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सो गाइज मिल चुका है अपना आंसर, आ चुका है, ठीक है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? वन अपॉइंट टू. इसका डेरिवेटिव भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. टू टू कट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 3. टेक स्क्वायर बोथ साइड, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3. एक्स की वैल्यू 4 आ गई.
अगर x की वैल्यू 4 है, आप इक्वेशन में रखोगे तो 4 माइनस 3 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1, सो x की वैल्यू 1 एंड माइनस 1 आई। तो हमारा उन्होंने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व, तो पॉइंट ऑन कर्व क्या है, 4 1 पहला पॉइंट है, दूसरा है 4 माइनस 1। ठीक है, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। जल्दी से दोस्तों लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक 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 क्विक, फास्ट 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 फास्ट। तो पॉइंट ही ढूंढने थे इसमें, इसमें इक्वेशन नहीं चाहिए था उनको। तो हर हर एक सवाल के अपने यूएसपी होते हैं, हर बार का इक्वेशन पूछेंगे जरूरी नहीं है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व, अगेन पॉइंट्स ऑन कर्व दिस, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस। इस इक्वेशन को पहले ढंग से लिखो, कैन आई राइट इट एज 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y, प्लीज टेल मी गाइज, कैन आई राइट इट एज y इक्वल टू 3x प्लस 1, सो कैन आई से इट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। है ना, तो इसका स्लोप क्या आ गया बताओ, इसका स्लोप आ गया स्लोप ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज 3, 3 इसका स्लोप आ गया। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने आगे क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व, एक कर्व है वेयर टेंजेंट, हमारा जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, लेट से ये वाली जो लाइन है वो ये है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मुझे बताइए जब दो लाइंस का पैरेलल रिलेशन रहता है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, देखिए दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप कैसा आता है, बराबर आता है, सॉरी उनका स्लोप बराबर आता है। तो इस वजह से मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब बस स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आ गया, प्लीज इतना लिख लो फिर अपन पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लो पहले। चलिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3, स्लोप ऑफ कितना आया टेंजेंट 3 आया। ठीक है, और इसका स्लोप मतलब इसका डेरिवेटिव है ना, तो आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। टेल मी टू नंबर जिनका मल्टीप्लाई 12, टोटल 4, 6 टू जा 6 टू जा, यहां से 3 और x कॉमन ले लो, x माइनस 2 बच गया, 2 कॉमन ले लो, x माइनस 2 बच गया। जल्दी जल्दी जल्दी, इट्स ये यार खुद भी कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई शुड एक्सप्लेन यू दिस, यू कैन डू फर्दर। अगर यहां तक करा दिया, इसके आगे आप खुद ही कर सकते हो, बट फिर भी मैंने करा दिया बिकॉज यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई योर आंसर। सो गाइज, यहाँ पे दो आंसर मिल चुके हैं, x की वैल्यू 2 आ चुकी है, x की वैल्यू माइनस 2 बाय 3 आ चुकी है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस 2 बाय 3। सो गाइज, इफ यू पुट x इक्वल्स टू 2 यू विल गेट द y, प्लीज टेल मी आंसर ऑफ y इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू पुट वैल्यू ऑफ x यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ y, value of x in the equation and tell me answer of y. You have only 1 minute, your time starts now. जल्दी से find करिए, जल्दी से find करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चलिए इंक्रीज द साइज ऑफ क्वेश्चन। चलिए मैंने इंक्रीज कर दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। इस कर्व पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। विच आर मतलब क्या, हमारा नॉर्मल पैरेलल है इसके, हमारा नॉर्मल पैरेलल है इसके। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लाइन, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस फोर। सो वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 x प्लस 4/3। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लाइन इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्लोप मिल चुका है -1/3। सो स्लोप मिल चुका है -1/3। प्लीज इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करना है, वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन। प्लीज इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ सो गाइस, जो स्लोप आया है, स्लोप ऑफ व्हाट नॉर्मल आया है वो है -1/3। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लो, ये हो जाएगा 6x-2y। 6x-2y y' इज इक्वल्स टू 0। सो 6x इज इक्वल्स टू 2y y डैश। सो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 6x/2y। ओके, सो ये सही है क्या, 6x-2y y डैश। ठीक है। विच आर पैरेलल टू द लाइन 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 लाइन। सब तो सही लग रहा है भाई, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आता है, इसका रेसिप्रोकल। सो ऊपर आ जाएगा 2y, नीचे आ जाएगा 6x विथ अ नेगेटिव साइन। सो माइनस माइनस कट। हैव यू नोटिस समथिंग, मैं इनको भी कट कर सकता था पर किया नहीं। इट्स अ वन जा, इट्स अ थ्री जा। माइनस माइनस कट, x इक्वल्स टू y। वाह, व्हाट अ अमेजिंग थिंग, राइट। एक्स इक्वल्स टू वाई आया है। अच्छा, तो एक्स इक्वल्स टू वाई है, लेट्स से आई विल पुट एक्स इक्वल्स टू वाई। तो 3x²-x² इज इक्वल्स टू 8। 2x² इज इक्वल्स टू 8। x² तो कितना आ जाएगा ये दोस्तों, फिर 2x² इज इक्वल्स टू 8। x² इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू +2 and -2। तो गाइज इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख तो लो भाई, लिख तो लो। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/3, उसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/3। इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने को इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट्स भी तो लगेंगे ना। सो एक्स अगर 2 है और एक्स अगर -2 है, तो पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो एक्स 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 3 12, ठीक है। अच्छा, वाई की भी वैल्यू 2 आ रही है, सही है। और जिंदगी में इनको और कोई काम ही नहीं है। एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। 4 3 12, 12 - 8 कितना होता है, 4 इक्वल्स टू y² वाई की वैल्यू 2 आ रही है, 2 and -2। नीचे भी सेम, 4 इक्वल्स टू y² वाई की वैल्यू भी 2 आ रही है, 2 and -2। सो अपने पास
दुनिया भर की वैल्यू आ चुकी है। एक्स टू पॉइंट्स में लिख देता हूँ, ठीक है, सीधे पॉइंट से लिख देता हूँ। एक्स टू तो वाई टू, एक्स टू तो वाई माइनस टू, एक्स माइनस टू तो वाई टू, एक्स माइनस टू तो वाई माइनस टू। तो इन चारों पॉइंट्स पे अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे मिल चुका है। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, लिख लीजिए। इट वाज अ रियली अमेजिंग क्वेश्चन। बहुत मस्त क्वेश्चन था, इट वाज अ रियली नाइस क्वेश्चन। देखिए अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रेट मेजर। द टॉपिक नेम इज रेट मेजर। रेट मेजर में एक ही चीज है, इंक्रीजिंग बोला या फिर डिक्रीजिंग बोला, इसका मतलब है डेरिवेटिव। खत्म हो गया। द सर्फेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सर्फेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो मैंने आपको पहले ही ज्ञान दे रखा था, वो ज्ञान है कि अगर उन्होंने इंक्रीजिंग इस वर्ड का यूज करा है, सही बोला था ना मैंने, याद आ रहा है, अभी बताया था। इंक्रीजिंग वर्ड इज इट्सेल्फ डिनोटिंग एज अ डेरिवेटिव। ठीक है, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 6। वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, ओ हो, वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेना है एट एक्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, सो आइए दोस्तों पहले तो एरिया का फॉर्मूला बताइए। व्हाट इज द एरिया ऑफ बलून? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम जो है ना रेडियस ऑफ बलून है उसको एक्स कह देते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 6, सो यह जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। इसका डेरिवेटिव बताओ। सो 4 पाई बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल्स टू। एक सेकेंड। हाँ, द सर्फेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अच्छा, सर्फेस एरिया बलून क्या होती है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे कि टी लेंगे वो बताओ मुझे। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट लेंगे? आ जाओ बताता हूं। नीचे क्या दे रखा है पढ़ो, पर सेकेंड। यस डियर स्टूडेंट, आपने सही पहचाना। मैं क्वेश्चन को एनलार्ज करता हूँ ताकि आप देख पाओ। इट इज 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मतलब द एरिया इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इंक्रीजिंग मीन्स डेरिवेटिव, टेक द एरिया का डेरिवेटिव, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? द डिनोमिनेटर टेल एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो दैट इज 2। ओके, यू नीड टू फाइंड वॉल्यूम का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी एट एक्स इक्वल्स टू 6। एक्स को हमने रेडियस मान लिया, ठीक है, रेडियस को हमने एक्स मान लिया। तो क्वेश्चन को हम वापस छोटा कर लेते हैं। सो गाइज, फर्स्ट लाइन से दैट द एरिया ऑफ स्पेयर इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस लो एक्स लो आपके ऊपर है। 4 पाई बाहर, वॉट इज डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर? कोई बता सकता है आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2R dr/dt। 2 का डेरिवेटिव 0। सो गाइज, dr/
नहीं, इधर तो डेरिवेटिव लेना ही नहीं है ना, मैं क्या कर रहा हूँ? इस तरफ तो डेरिवेटिव है ही नहीं, देर इज नो डेरिवेटिव दिस साइड। सो गाइज, यू कैन नोटिस दैट समथिंग इज गेटिंग कैंसल आउट, दिस टू एंड दिस टू इज गेटिंग कैंसल आउट। सो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मिल गई अपने को, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मिल गई, इट इज वॉट, 1 अपॉन 2 पाई आर, 1 अपॉन 2 पाई आर। एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग वेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6। सो गाइज, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³। सो इसका डेरेवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ले लेंगे, 4/3 πr³ का डेरेवेटिव 3r² dr/dt। तो गाइज हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, रेडियस को कितना रखना है, 6, इट इज 4/3 π × 3, 4/3 π, 6 का स्क्वायर 36। व्हाट इज डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पे निकाला था अपन ने, 1 अपॉन 2 πr। सो गाइज डी वी अपॉन डी टी कितना आ रहा है देखो, फाइनली सी कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो हम कलर चेंज करके कट करते हैं उनको, 3 कट 3 कट, 2 कट 2 आ जाएगा, इट इज 2π/36। ऊपर क्या आ जाएगा, 2π/36, नीचे क्या आ रहा है, पाई आर। व्हाट इज आर, आर इज 6 ना, तो पाई एंड पाइन अगेन गेटिंग कैंसल्ड, और 6 6 36, सो फाइनल आंसर इज 12। सो इट इज इंक्रीजिंग एट 12 cm³/s, क्योंकि वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या होता है बताओ, वॉल्यूम क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का डैश इज 12 cm³/s। सो गाइस, जो वॉल्यूम होता है वो कैसे डिनोट करते हैं अपन, बताइए जरा। यस यू आर राइट, वी डिनोट इट इन द फॉर्म ऑफ cm³। और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी लिया है, कहाँ से समझा, सेकेंड, दिस वर्ड cm/s इज डिनोटिंग कि आपको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना है, टाइम के। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।